हेलो मोर गैंग, पॉपी प्ले टाइम का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा कि आज पॉपी प्ले टाइम 1, 2, 3 और फिर एक पॉपी प्ले टाइम जैसा ही गेम आया था जॉय विले, इन सब के जो बॉसेस हैं उन सब का हम लोग डेथ एक बार फिर से देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई क्या फीलिंग आई थी, कौन सा डेथ हमें सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा था। तुम लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में रेटिंग देना। अभी चलो हम लोग पहले पॉपी प्ले टाइम 1 का यानी हगी वगी का डेथ एंट्रेंस दोनों देखते हैं। तो ये हम हगी वगी के टॉय फैक्ट्री में आ गए, हम लोगों ने पावर ऑन कर दिया था। पहले हमें यहाँ पर एक टॉय बनाना था, मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है, और फिर वो टॉय लेके हमें कहीं पे सबमिट करना था, तब हम लोग हगी वगी से मिल पाते थे। तो यहाँ पर वो टॉय मशीन तो ऑन हो गई और उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ से आएंगे, तो हम लोग इसको ऑन कर दिए थे। तो आई थिंक यस ये देखो ये पैर आ रहे हैं और फिर यहाँ पे इसका आई थिंक मुंह आ रहा है। ये कौन सा टॉय बनेगा ये मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है भाई, काफ़ी टाइम हो गया ना, लेकिन अभी तभी तो मज़ा है। अभी देखते हैं कि कौन सा टॉय बनेगा। तुम लोगों को क्या लग रहा है ये कौन सा टॉय लग रहा है? उसका फेस तो मेरे को रैबिट जैसा लग रहा था। यहाँ पर उसका पहला डेवलपमेंट हो गया और ये तो ब्लैक एंड ब्राउन मतलब येलो, तो मेरे को तो ये टाइग्रेस लग रही है। तुम लोग को क्या लग रहा है? अभी देखते हैं सेकेंड प्रोसेस में आई थिंक ये बन जाएगी। यहाँ पर ओ माय गॉड पीटा जा रहा है भाई टाइग्रेस को और ये अपनी यहाँ पर लेजर लाइट में, क्या बात है, ओ हो अपनी पूरी टॉय यहाँ पर तैयार हो गई है और अभी इसे हम लोग कलेक्ट करेंगे और फिर पीछे हमें सबमिट करना है। ये देखो अपनी टाइग्रेस आ गई, इसे ले लेते हैं। आई थिंक पीछे ही था, हाँ ये रहा, यहाँ पे अभी बस हमें इस टाइग्रेस को रखना है, तभी शटर खुल जाएगा ये स्कैन होते ही। यस ये हो गया और अब हमें अंदर जाना है। आई थिंक सामने ही आएगा हगी वगी। ये यहाँ पर तो ये दरवाज़ा बंद था, ये भी बंद था। देखे मेरे को थोड़ा सा डर तो लग रहा है। भाई इतने दिनों बाद दर्शन किए हैं इसके। उसका वैसे हॉरर वर्जन हम लोगों ने प्ले टाइम 3 में देखा था। ओ अरे अरे भाई 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 अबे आ जा आगे बगे अंदर आ अंदर। और भाई भाई एक बार तो बचे। अब यहाँ से जो टॉय बनता है उस मशीन के हम लोग अंदर घुस चुके हैं कन्वेयर के अंदर और यहाँ पे अब हमें निकलना है। आगे वगी पीछे से तो नहीं आ रहा है, चलो चलो आगे बढ़ना है। और ओए आगे 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 ओह माय गॉड कैसे चल के आ रहा है ये, है राइट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई, यहाँ से जान सामने से आ गया। भाई हाँ अभी हम लोग इस हगी वगी को मार के तो छोड़ेंगे। यहाँ से फिर से आ जा भाई। भाई खतरनाक तो है यार पॉपी प्ले टाइम 1, तभी इतना पॉपुलर हो गया था। ये देखो ना ऐसे एकदम फ्लेक्सिबल है चलने में। अजा 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 अंदर आके दिखा, अंदर आके दिखा ना बाबू। ये खड़ा हो गया। ओ भाई 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 भाई, भाई देखो ना उसके दांत देखो तुम लोग। ओह उसको मैं छू नहीं पाया। ठीक है चलो अभी हमें यहाँ से एस्केप करना है, यहाँ से निकले। हगी वगी आ गया भाई, इसकी जो चलने की आवाज़ है ना ये बहुत खतरनाक है। यहाँ से जाना है मेरे को, ये जस्ट आ रहा है, यहीं पे मैं मरा था। अभी निकलते हैं, लेफ्ट ले लो क्योंकि आगे तो नहीं जा पाऊँगा। नीचे नीचे घुस, ओ कहाँ जाना है। हाँ भाई इसकी आवाज़ से ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को। अभी कहाँ हो गया, रास्ता बंद हो गया। ये रहा निकल 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 निकल, बस 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 पहुँच जाएंगे अभी। यहाँ से जाने का नहीं, राइट नहीं जाना था, बस सीधा जाना था। अभी मैं गलती नहीं करूँगा। चलो 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 आगे बगे निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे गए थे। अब गलती नहीं होगी, यहाँ से लेफ्ट। बस वो पीछे ही है मेरे, पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं चाहिए था, मैं फालतू में फंस रहा हूँ। यहाँ से सीधा नीचे गए और ओए अरे नहीं यार पीछे नहीं देखना चाहिए। बस हॉरर गेम में याद रखो पीछे नहीं देखना। निकलो यहाँ से। अब इस बार मैं तो हगी वगी को खेल ख़त्म ही कर रहा हूँ, अब बहुत हो गया। ये बगुआ मेरे से बहुत भाई परेशान कर रहे हैं मेरे को, इसकी आवाज़ देखो बहुत डरावनी लग रही है यार। अरे यहाँ पे राइट। हाँ ये अभी इस पर तो नहीं,
रुको, यहाँ से नहीं सीधा जाना है मेरे को, राइट में था ही नहीं रास्ता, क्यों गलती करूँ मैं दोबारा भाई, और लेफ्ट से नीचे एंड यहाँ से आगे, नहीं राइट में था पथिया, यहाँ से ओके, अरे ये वाला भाई राइट में, लेफ्ट, अरे कहाँ जाऊँ, खुल गया राइट वाला दरवाज़ा खुला, पता नहीं अचानक से, और अभी तक खत्म कैसे नहीं हुआ यार इसका रास्ता, कहाँ से जाना है, ओ ये रहा स्लाइड भाई, ओ अभी ओ हाँ ये बॉक्स गिराओ, अबे गिरना, एंड हॉगी बॉगी का डेथ इस तरीके से हुआ था चैप्टर वन में। इसके बाद एक गेम आई थी जॉय विलेज जो काफ़ी हद तक हगी वगी की तरह थी। हम लोग एक टॉय फैक्ट्री में आ गए थे, हमें ये चार्जेबल टॉय मिला था, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, काफ़ी मज़ेदार था। सामने हम लोग का दरवाज़ा बंद हो गया, अभी यहाँ से भी दरवाज़ा बंद हो गया है, तो मेरे ख्याल से कहाँ जाना, ऊपर ही जाना, ओ टॉय गिरना शुरू हो गए थे, यस यहाँ पर हमें बुलावा आ गया था मॉन्स्टर का, अब हम लोग ऊपर जाएंगे, तो आई थिंक ये आ गया जॉय विले, ये रहा, इसका नाम मेरे को अभी भी नहीं पता कि क्या है, मैं तो इसको जॉय विले ही बुलाता हूँ, ओ भाई पकड़ी लिया यार, चलो फिर से करेंगे, आजा मेरे पीछे, मेरे ख्याल से राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ, क्योंकि राइट का तो ओ अरे वाह अब दरवाज़ा खुल गया है राइट का, क्या बात है, तो यहाँ से अभी ये लेफ्ट जाना है राइट जाना है लेफ्ट जाना है, वो जस्ट मेरे पीछे, वो काफ़ी धीरे चलता है, हगी बगी भी धीरे ही चलता है, यहाँ से नहीं जाना एंड यहाँ पर नहीं जाना है आई गेस, कंट्रोल रूम, अरे वही जाना था, चलो उसको बुला लिया। वैसे तुम लोगों ने शायद ये वाला गेम प्ले नहीं देखा होगा, ये काफ़ी कम लोगों ने ही देखा था जॉय विले का, मैं तुम लोगों को इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, ये गेम प्ले भी जाके देखना, वैसे तो पूरी सीरीज ही देख लेना, मैं पूरा प्लेलिस्ट ही दे दूंगा, लेट्स गो, अभी यहाँ से भागते हैं, राइट में ही जाना है मेरे को, और आई थिंक यहाँ से निकलना है, यस ये देखो यहाँ पे एरो बना हुआ है आगे जाने का, और यहाँ पे कोड लिखा है 7, अच्छा इसमें कोड डालना था, यस यहाँ पे 7 और 7, अरे यार 2 7 2, बस 7 2 देखा मैंने, तो भाई 4 डिजिट का कोड डालना है, नहीं पता मेरे को, अब पता कर लेंगे ना, हम लोग बंकर में पहुंच गए हैं, यहाँ पर देखो 6 और पीछे भी लिखा हुआ है 8 8 6 और फिर 1 8 6 1 और फोर्थ क्या है 7 8 6 1 7 8 6 1 7, जल्दी खुल, लेट्स गो, यस यहाँ पे जाना है एलिवेटर के अंदर, ओके अरे यार अभी ये गलती नहीं होगी भाई, अभी बंकर में अच्छे से पहले पीछे का कोड देखते, 7 1 7 7 1 7 और फोर्थ डिजिट अभी देखना है, वो जस्ट मेरे पीछे है जॉय विले, 7 1 7 1 इजी 7 1 7 1 ओके लेट्स गो, भागो, वो मेरे को यहीं पे पकड़ लिया था, अरे मैं फंस गया, शिट, एलिवेटर में घुसे एंड टॉय डालना है क्या, ओके गेट, बॉय हे पकड़ के दिखा मेरे को, मैं तो चला ये, हाँ यस अभी मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग तो रहा है कुछ तो गड़बड़ होगा, वो आवाज़ तो आ रही है उसकी, वो ऐसे पीछा थोड़ा ना छोड़ देगा भाई, ये ऊपर से कैसे कूदा अचानक से, नीचे था ना तू, टेलीपोर्ट कैसे किया, ओ भाई तो लिफ्ट तोड़ेगा क्या, ओ ओ ओ ओ क्या मॉन्स्टर की डेथ हो गई, ओह माय गॉड उसने तार तोड़ दिया, और यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारी डेथ हो गई यहीं पे, मॉन्स्टर की भी डेथ और शायद हमारी भी, या फिर हम दूसरे जोन में चले गए, इसके चैप्टर 2 में पता चलेगा, लेकिन तब तक हम लोग पॉपी प्ले टाइम के चैप्टर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे को ये लीवर फ्लिक करना था, फिर ये गेट खुलता है, और यहाँ पे तुम लोग को पता है ना कौन है कि मॉमी लॉन्ग लेग्स, ओ फ्लेक्सिबिलिटी की देवी भाई पहले मेरे को यहाँ पर जाके इसको बंद करना है, पकड़, अरे दूसरा वाला खींच, अरे भाई एक बार के लिए फिर से खुल गया, मैंने धक्का मार दिया, मेरे बॉडी से ही धक्का लग गया, अरे यार वो आ जाएगी, बच गया है, ओ जस्ट के लिए बचे हैं, ओके लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो इसको मारना भी है, तो अभी हम लोग वापस से निकलते हैं यहाँ से, तो ये
लीवर हम लोग फ्लिक करते, अरे फिर आ गई यार, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही भाई। इससे क्या मैग्नेट लगा दिए क्या मेरे पीछे कि इसको पता चल जाता मैं कहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ पे रास्ता बंद हो गया तो मेरे को यहाँ से जाना है। ये चल रहा रास्ता, ओ ओ ओ ओ मेरे पीछे कैसा आवाज़ आ रहा है उसके मुँह से, ओ यहाँ से अभी यहाँ पे और कहाँ पे रास्ता, ये रहा, अरे ओ मैं फंस गया। अबे यार ये तो मेरे पीछे पड़ गई है रे, बहुत ही गंदी तरीके से, कैसे गंदी आवाज़ निकाल रही है एकदम। ये रहा, मैं वहाँ पे फंस गया था मेरा पैर, यहाँ से नीचे आके इसके अंदर जाके यहाँ राइट में अच्छे से घुसना, यस घुस गया, उसका हाथ आ गया था, एंड अरे फिर से यहाँ से निकलते हैं एंड ऊपर जाना है। यहाँ पर तो हम लोग को ये रास्ता पता था, यहीं तक मैं ऐसे ही पहुँचा था और आगे बढ़े तो यहाँ पर टूट गया। अरे यहाँ मेरे को नीचे नहीं जाना था, मेरे को शायद हैंडल पकड़ना था, तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं वापस से, और ये अंदर पहुँच गए हम लोग, यहाँ पर ऐसे करके निकलते हैं एंड ऊपर जाना है। चल भाई भाई वो पकड़ लेगी, और फिर यहाँ पर अभी टूटेगा तो मेरे को ये यहाँ पे लटक के जाना है ऐसे करके, एंड यहाँ से अंदर घुसे और ये वाला शटर खोलना है, एमरजेंसी एग्जिट है ये, और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ पे सामने मेरे को राइट अपना लेफ्ट हैंड लगाना है, ब्लू हैंड उसका आ रहा है भाई, जल्दी लगा, वो पीछे ही है मेरे। हाँ ये देखो मॉमी लॉन्ग लेग्स का ऊपर फोटो बना हुआ है, वो आ रही है, वो आ गई पीछे, खुल भाई जल्दी खोल, ओए खुल 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 खुल, और ये जनरेटर का खोल दे, लेट्स गो। और यस हम लोगों ने इसको ऐसे ही फंसाया था, और अभी भाई ये फ्लेक्सिबल है ना, तो इसकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ले ली हम लोगों ने यहाँ पे। यस ये चिल्ला रही है, यू कैन डू दिस, भाई क्यों नहीं भाई, तूने इतना परेशान किया मेरे को, इतने चैलेंजेस दिए थे, और इसकी बॉडी यहाँ पे गिर गई थी। और तुम लोग को याद है यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखो प्रोटोटाइप आ गया है यहाँ पे, और इसकी बॉडी को वो लेके चला गया, प्रोटोटाइप बॉडी इकट्ठा कर रहा है, पता नहीं इसका क्या प्लान है, ये तो चैप्टर 4 में हमें पता चलेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 में। यहाँ पर सबसे पहले मिस डिलाइट, जिस बॉस से हम लोग भिड़े थे, जिसको हम लोग मारे थे, और पहले हम लोग बैटरी चुराते थे, तो यहाँ पे रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला सीन, ये देखो इसको, ये सच में मेरे को अभी तक की सबसे डेंजरस लगी है ये बॉस मेरे को, ओ माई गॉड भाई 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 निकलना कहाँ से। अभी फिर से इसको हम लोग यहाँ पे टैकल करते हैं, ये बैटरी रहेगी, फटाक से लेके निकलते हैं, ये देखो ना भाई 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 खतरनाक तो पूरी है, ये इसके कपड़े जो हिलते हैं ना नीचे से, इससे पता चलता है कि जस्ट ये भाग रही थी, तो ज़्यादा डरावनी लगती है ये, इसलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा डरावनी लगी थी, अभी तक की सबसे डरावनी मॉन्स्टर है ये। मेरे को राइट में जाना है, दरवाज़ा कहाँ है पीछे दिख नहीं रहा, यस निकल गए, अभी भागते भाई भाग भाग, अरे मैं बराबर निकल वही रहना वही रहना, मोंजू लेगा शांति, हाँ और ये बैठ गया। हाँ भाई देखो 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 इसको, इसका अब इसका मुंह लाइट में अच्छे से दिख रहा है, वाह प्रे बाप, भाई थोड़ा मेकअप कर लेता है यार, तुम क्या कर रही हो तुम ऐसे बहन, हाँ ऐसे नहीं करते ना मंजुलिका मैडम, अरे अरे पीछे का गेट बंद है भाई, अरे तुम सामने मत रहो यार मेरे मंजुलिका, बैटरी फिर से लगाने का और निकल जाने का। भाई भाई ये गेट बंद हो गया, लेकिन तुम लोग को पता है कि ये गेट बंद होने से भी भाई ये निकल जाती है, ये देखो मेरा यहाँ मोए मोए हो गया था। और अभी मेरे को यहाँ पे एक फाइनल पजल सॉल्व करना है, जिसके लिए पहले मेरे को यहाँ से बैटरी निकालनी है, फिर इसको यहाँ पर लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी तो मैं पहले ही ले आया था, यहाँ पर लगाना है और ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी लगा देनी है, तीनों की वजह से ये गेट खुल गया। और आई थिंक मिस डिलाइट अब मेरे जस्ट पीछे है, आ गई भागती भी आ रही, एंड ये वाला लीवर को फ्लिक कर दो, क्या खतरनाक डेथ हुई थी मिस डिलाइट की यहाँ पे बाय। और ये अपना दूसरा गेट यहाँ पे खुल गया, बाय बाय मिस डिलाइट, आपकी बिल्कुल याद नहीं आएगी मुझे। फिर चैप्टर 3 के सबसे मोस्ट ट्रेजिक डेथ की बात करते हैं, ये देखो ये जो हमारे स्माइलिंग क्रिएटर्स की आत्मा है, ये सब डॉगी महाशय के अंदर घुस गई, और ये अभी हमारे पीछे आएगा,
भाई 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 भाई, ये इसकी पूरी बॉडी कंट्रोल से चली गई और ये मेरे पीछे आ गया है भाई। यार अभी तो बात कर रहा था यार, थोड़ा तो अपने मानसिक संतुलन को ठीक करो, निकलो यहाँ से। ये देखो ये भी हगी वगी जैसा ही हो गया ना सीन थोड़ा। ओए आवाज वैसे ही आ रहा है, थोड़ा कम है। मैं फंस गया फिर से भाई। डॉगी जी प्लीज 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 आराम से यहाँ से निकलते हैं और आराम से यहाँ से भागते हैं एकदम। अब पता चल रहा है ये थोड़ा चैप्टर वन जैसा यहाँ पे पूरा फील दे दिया गया था। ओए यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है और यहाँ से होते हुए और भाई 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 भाई, भाई। यहाँ पर निकलते हैं, यहाँ से राइट या लेफ्ट, लेफ्ट लेना है। और अभी अरे भाई भाई ये छोटे छोटे क्रिटर्स भी आ रहे जो उसके अंदर घुस गए थे, मेरे अंदर भी घुसेंगे क्या ये? और मैं गलत रास्ते में घुस गया हूँ। वो आ रहा है और यहाँ पे टूटा और अभी 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 फिर से देखते हैं भाई। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो पिछली बार करी थी, इस बार तो एक बार में कर लेंगे। अभी तो मेरे को पूरा रास्ता समझ में आ गया है। हगी वगी वाले में भी बस रास्ता सिलेक्शन का ही था, यहाँ से मेरे को नीचे जाना है एंड राइट राइट हाँ और बस सीधा जाओ। वो मेरे जस्ट पीछे है, ये देखो। ओ भाई यहाँ से निकल लेते हैं, स्लाइड डाउन एंड मुझे यहाँ पे अभी क्या करना था? ओ वो आ रहा है, वो आ रहा है। ओ यहाँ पे जंप लगानी थी एंड यहाँ पर उसकी हो गई डेथ। लेट्स गो। और फिर चैप्टर 3 का फाइनल बॉस कैटनैप के लिए पहले हम लोगों ने ये जनरेटर एक्टिवेट किया था। ये पज़ल अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पज़ल मैंने देखा भाई। इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, कितना मेरे को समझने में दिक्कत हुआ था यार। यहाँ पे हम लोग को पहले पूरे पूरे एक एक स्मोक्स चेक करने थे कि कहाँ से कैटनैप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो स्मोक हम लोगों ने ऑलरेडी एक्टिव कर दिया था इन दोनों तरफ, तो वहाँ एक बार चेक नहीं करना है। 180 सेकेंड तक हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है ताकि हम लोग एकदम बढ़िया वाला इलेक्ट्रिसिटी ले और फिर कैटनैप को एक ही बार में शॉक दे, तब उसको समझ में आएगा भाई साहब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आ रहा है कैटनैप, तो मेरे को इसको खोलना है, जल्दी खोल। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेना है, यहाँ पे लगाना है तो स्टीम आएगा, तो रेड स्मोक ख़त्म हो जाएगा तो कैटनैप वहाँ से चला जाएगा। कैटनैप रेड स्मोक में ही रहता है और रेड स्मोक ही देता है। और यहाँ पे अभी हमें सेकेंड बैटरी डालनी है, तो ये वाला अभी देखो 135 सेकेंड्स और है। ये देखो कैटनैप यहाँ से आ रहा है, तो मेरे को अभी ऊपर चढ़ना है यहाँ से फटाफट। अरे वो उसका धुआं था, देखो कैटनैप इल्यूजन भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अभी ये वाला तो स्टीम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैटनैप फिर से आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे स्टीम देना है। भाई ये रियल है कि फेक मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, बैटरी निकाल लेता हूँ यहाँ पर। उस शेट ये रियली है, ये रियली। ओ ये देखो स्टीम आ गया, तो वो चला जाएगा यहाँ से। बस 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 इनको यहाँ पर वापस से लगाना पड़ेगा क्योंकि जनरेटर बंद हो गया। ये वाला बैटरी अगर नहीं लगा हुआ हो तो जनरेटर चलेगा ही नहीं। अभी मेरे को फिर से कैटनैप का ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा आ रही यार, ऊपर से भी आता है ये लोग। ये देखो भाई यहाँ पे कितने कैटनैप है, यही तो कन्फ्यूजन है भाई। बंद हो जाओ, ज़्यादा देर खुला रहा तो ऊपर से आ जाएगा। ओके अभी मेरे को तीसरी बैटरी लगानी है, तो यहाँ से ये वाली बैटरी मैं लगाऊँ तो फिर यहाँ पर ही लग जाएगा। लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर पाऊँगा, तो मेरे को ये बैटरी निकाल के यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब मैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाऊँगा और फिर यहाँ पे चढ़ के अगर कैटनैप यहाँ से आता है तो मैं ऐसे करके यहाँ पर स्मोक क्रिएट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर स्मोक आ गया। अभी कैटनैप यहाँ से तो नहीं आ रहा है ना, नहीं नहीं वहाँ से, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्मोक लगा देता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। वो यहाँ से भी नहीं आ रहा है भाई भाई भाई, पूरा रेड हो रखा। मैंने यहाँ से बैटरी भी निकाल रखी है और सिर्फ 55 सेकंड्स लगता हो जाएगा यार। यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। अरे चौथी बैटरी चाहिए, अब तो मेरे को ये पावर वाली बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ नहीं ले पाऊँगा। अब ये चारों बैटरी यहाँ लग गई है, पाँचवीं बैटरी से जनरेटर चल रहा है, तो और दिक्कत हो जाएगा। अभी बस थोड़ा सा टाइम का बात है, यहाँ से कोई भी जगह से वो नहीं आ रहा। वो पीछे से भी आ सकता है वैसे, तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। ओके बस गाइस 15 सेकेंड और बाकी है एंड मैं रेडी हूँ ग्रीन हैंड लेके। मेरे को ऊपर से इलेक्ट्रिक शॉक लेना है, पूरा एकदम तड़ाका इलेक्ट्रिक आएगा। सिर्फ 4 सेकेंड, 3 2
एक, लेट्स गो, ले लिया, कैटनैप ऊपर से आ गया, और फिर इसके ऊपर हाथ फेंक दो, तो ये देखो इसकी डेथ, क्या इलेक्ट्रिक शॉक से जला दिया है, और ये प्रोटोटाइप आ गया यहाँ पे, भाई भाई ये इसको बोला था चल मेरे साथ, तो कैटनैप तो इसको पहले से ही भगवान मानता है, तो वो इसके आगे ऐसे हाथ फैला के खड़ा हो गया, यस गॉड मुझे मर्सी दो, और वो इसे मार दिया। भाई कैटनैप को शायद लगा था कि वो इसे बचाएगा, लेकिन नहीं, और ये इसकी लाश को लेके चला गया जैसे मॉमी लॉन्ग लेग्स की लेके गया था वो, भाई भाई भाई, और यहाँ पे कैटनैप का खात्मा हो गया। तुम लोगों ने इन सारे बॉस की डेथ्स को कितना रेट किया भाई कमेंट में लिखते जा रहे थे ना, जैसे जैसे मैं बता रहा था, भाई मेरा रेटिंग भी तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, और लास्ट वीडियोस तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है उसे जाके देखो, पॉपी प्ले टाइम का 1, 2, 3 और जॉय विले सारी प्ले लिस्ट तुम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे क्लिक कर देखो। कल माइनक्राफ्ट की वीडियो आएगी, आई थिंक माइनक्राफ्ट में भी कैटनैप का असर हो रहा है, तो वो तुम लोगों को कल पता चल जाएगा मेरे फर्स्ट चैनल पे, तो वहां पे जाके देख। तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस। So till then, bye-bye.